हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप रॉयल इनफील्ड की कोई भी अगर आप बाइक ख़रीदना चाहते हैं तो आप अष्टावक्रा मोटर्स लुधियाना में विज़िट कर सकते हैं। यहाँ का एड्रेस और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा एंड नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। अगर आप लुधियाना में रहते हैं इन्हें तभी कॉल करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड के न्यू लॉन्च्ड प्रोडक्ट रॉयल इनफील्ड बुलेट 350XES का रिव्यू करेंगे। इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी हम जिसे कह सकते हैं। कंपनी ने इसके दो मॉडल लॉन्च किए हैं, एक तो रॉयल इनफील्ड बुलेट 350X एंड जिसका हम रिव्यू कर चुके हैं पहले ही। अगर आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। एंड हम आज रिव्यू करने वाले उसके थोड़े अपर वेरियंट रॉयल इनफील्ड बुलेट 350ESX का, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको एक सेल्फ स्टार्ट देखने को मिलती है और आपको इसमें डिज़ाइन में भी थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता है और इसमें भी आपको ऑल ब्लैक थीम देखने को मिलती है। आगे हम वीडियो में आपको सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लें, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लें और हमारा फेसबुक पेज भी आप लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले तो ओवरऑल लुकिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं ये आपको 350X की तरह ही देखने को लगेगी, पर आप देख सकते हैं इसमें आपको ऑल ओवर सारे जगह ब्लैक थीम देखने को मिलती है एंड आप इंजन एंड एक टैंक पर आपको एक कलर्ड आपको देखने को मिलेगा। आपको इसमें थ्री कलर्स देखने को मिल जाएंगे। आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा, ब्लैक एंड जो अभी हम रेड कर रहे हैं, सब कुछ आपको ब्लैक देखने को मिलेगा। एंड आपको इंजन सिर्फ टैंक आपको कलर्ड थीम में देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पिलियन ग्रेवरिल से लेकर सीट से लेकर आपको इंजन सब कुछ इसमें आपको ब्लैक देखने को मिलता है। जो 350X है उसमें भी आपको सेम ऐसी सिंगल सीट देखने को मिलती है, इसमें भी सिंगल सीट है। एंड आप देख सकते हैं इसका स्टैंड भी है वो भी आपको ब्लैक कलर में ही देखने को मिलेंगे। एंड आपको इसके रिम भी आप देख सकते हैं वो भी आपको इसमें ब्लैक कलर में ही देखने को मिल जाते हैं। बस आपको एक चीज़ इसमें आपको कलरफुल देखने को मिलेगी, जो आप इसके इंडिकेटर्स भी देख सकते हैं ब्लैक कलर के साथ प्लास्टिक की फिनिशिंग के साथ है। आप देख सकते हैं इसका टैंक, बस आपको यही एक कलर्ड पार्ट देखने को मिलेगा इस पूरी बाइक में, जो आप देखोगे आपको थोड़ी बहुत रॉयल इनफील्ड इलेक्ट्रा की तरह देखने को लगेगी। वो आप देख सकते हैं तीनों कलर आपको वहाँ पर सामने दिख रहे हैं, एक तो रेड है, एक ग्रे टाइप में है और एक ब्लू है। दोस्तों, अगर हम इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये भी आपको जैसे आपको उस बाकी बुलेट्स में देखने को मिलता है वैसे का ही आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। आप देख सकते हैं इसमें आपको फुली एनालॉग क्लस्टर देखने को मिलेगा विद स्पीडोमीटर एंड आपको डिस्टेंस इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। एंड बाकी आपको ABS आइकन एंड न्यूट्रल आइकन देखने को मिलेगा। एंड आपको स्विच गेट्स भी इसमें अच्छी खासी क्वालिटी के देखने को मिल जाता है जैसे आपको बाकी में देखने को मिलते हैं। एंड आप देख सकते हैं ये मिरर भी आपको इसमें राउंडेड शेप में मिरर्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये तो बहुत ही ओवरऑल लुकिंग की। एंड आप बाकी आप देखोगे इसमें आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप लेफ्ट से देख लो, चाहे आप फ्रंट से देख लो, चाहे आप राइट से भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी और चेंज देखने को नहीं मिलता है। ये तो बात हुई दोस्तों लुकिंग की। अब हम बढ़ते हैं इसके इंजन की तरफ। इंजन की बात करें तो इसमें भी आपको 346 CC का ही इंजन आपको देखने को मिलेगा, जो आपको 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। इसमें आपको 19.8 BHP की पावर मिलेगी एट 5,250 RPM पर एंड 28 Nm की यह टॉर्क प्रोड्यूस करता है 4,000 RPM पर जो बेस्ड है। इसमें आपको फ्यूल डिलीवरी कार्बोरेटर के थ्रू देखने को मिलेगी एंड आपको इसमें 5 गियर्स मिल जाएंगे एंड ये किक एंड सेल्फ दोनों के साथ ही आपको ये देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं इसका इंजन आपको फुली ब्लैक थीम में देखने को मिलता है। ये आपको एक किक इधर मिल जाती है एंड आपको देख सकते हैं इधर आपको सेल्फ भी देखने को मिलेगी, जो आपको 350X में नहीं मिलती थी। आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ सेल्फ, ये आप देख सकते हैं। ये तो बात हुई दोस्तों इंजन की। अब हम बढ़ते हैं आगे सस्पेंशंस की तरफ। सस्पेंशंस की बात करें तो इसमें आपको सेम आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे जैसे आपको 350X में देखने को मिलते थे और बाकी जैसे आप बुलेट्स में आपको देखने को मिलते हैं। इसमें भी आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक 130 mm के सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, जो आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाते हैं ब्लैक एंड सिल्वर कलर की आपको थीम के साथ देखने को मिलेंगे इसके सस्पेंशंस। रेयर सस्पेंशंस की अगर हम बात करें तो आपको ट्विन शॉक अब्जॉर्बर्स विद 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशंस देखने को मिलते हैं, जो आपको क्रोम गार्निशिंग के साथ मिलेंगे।
जो काफ़ी बढ़िया आपको क्वालिटी के देखने को मिल जाते हैं। वैसे भी आपको सस्पेंशन के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बुलेट्स में। ये तो बात हुई दोस्तों सस्पेंशन की। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी ब्रेकिंग की तरफ। ब्रेकिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपको इसमें ट्विन डिस्क देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको 280 मिलीमीटर की डिस्क देखने को मिलती है विद सिंगल चैनल ABS। आप देख सकते हैं आपको इसकी राउंडेड शेप में आपको डिस्क देखने को मिलती है। आपको ABS की ब्रांडिंग भी दिख जाएगी एंड रिंग भी आप देख सकते हैं ABS की, जो आपको क्लियरली विजिबल है। रेयर में अगर आप देखोगे तो आपको डिस्क तो देखने को मिलती है, बट आपको उसमें आपको जो ABS की तरह दिख रहा है वो ABS रिंग नहीं है, वो RWLP आपको सेंसर देखने को मिलता है, जिसकी फुल फॉर्म है रेयर व्हील लिफ्ट ऑफ सेंसर। जिसका ये फ़ायदा, अगर फ्रंट ब्रेक अचानक दबाए तो ये आपकी बैक टायर को जैसे लिफ्ट हो जाता है वो उठने में ये रोकेगी। अगर हम दोस्तों टायर्स एंड व्हील्स की बात करें तो आपको इसमें फ्रंट एंड रेयर दोनों ही 19-19 इंच के आपको टायर्स देखने को मिलेंगे विद स्पोक्स व्हील एंड ट्यूब टायर। अगर आप लगवाना चाहते हैं आप अलॉय व्हील्स तो आप कंपनी से ही लगवा सकते हैं। फ्रंट आप देख सकते हैं आपको किस तरह का देखने को मिलता है स्पोक्स व्हील्स। ये तो बात ही दोस्तों फ्रंट टायर एंड व्हील्स की। रेयर की बात करें तो आपको वो भी 19 इंचेस के देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं कुछ किस तरह का आपको मिल जाता है। ये आपको ब्लैक कलर की थीम में ये भी देखने को मिलेंगे जो इसके रिम्स है विद स्पोक्स व्हील्स एंड ट्यूब टायर्स। दोस्तों अगर हम और डिटेल्स में अगर बात करें इस बाइक की तो आपको इसमें 180 केजी का वेट देखने को मिल जाता है। 2140 मिलीमीटर की इसमें आपको लेंथ देखने को मिल जाएगी। 1370 मिलीमीटर का व्हील बेस मिल जाएगा एंड 135 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा एंड 800 मिलीमीटर की आपको सीट हाइट देखने को मिल जाएगी। और इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर हम इस बाइक की प्राइसिंग की बात करें इन लुधियाना पंजाब तो इसकी प्राइसिंग है 1,26,000 एक्स शोरूम प्राइस इन लुधियाना पंजाब। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप अष्टवक्रा रॉयल इनफील्ड में विज़िट कर सकते हैं। यहाँ का नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप लुधियाना में रहते हैं आप इन्हें तो ही कॉल करें। अब इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ में बेल आइकन है उसे भी दबा ले और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर ले और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करना ना भूलें। अब इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।